नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा बेसिक पाइथन के टॉपिक्स में हमने पढ़ा टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर। आज हम बात करेंगे लिटरल्स की। लिटरल्स आर ऑफन कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू जिनका निश्चित मान होता है। इनके जैसे पाइथन परमिटेड फॉलोइंग टाइप ऑफ लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स और एक स्पेशल लिटरल होता है नन, जिसकी हम बात करेंगे। लिटरल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम सभी को पता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स एक प्रकार का करैक्टर का एक कर्मिक या सतत भी बोल सकते हैं, सतत एक समूह है। स्ट्रिंग लिटरल इज ए सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स दैट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। और ये लिटरल्स हमेशा कोट्स के अंदर हो रहते हैं, सिंगल कोट भी रहते हैं, डबल कोट में और ट्रिपल कोट में। पाइथन में स्ट्रिंग दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग में जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं और कंटिन्यूअसली कैरेक्टर्स का समूह लिख देते हैं। यदि हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो हम कैरेक्टर के बीच में बैक स्लैश लगा के फिर हम क्या है कि कंटिन्यू लिखेंगे तो वो डबल लाइन के अंदर आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं न्यूमेरिक इंटीजर, साइंड इंटीजर, जिसमें डेसिमल इंटीजर, इंटीजर साइंड इंटीजर, जिसमें डेसिमल इंटीजर लिटरल्स जैसे सपोज 10, 17, 2, 10 एटसेट्रा। ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स में थोड़ा ध्यान देंगे, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स विद ए लीडिंग जीरो और ऑक्टल लिटरल्स, मतलब किसी भी जो नंबर्स होंगे उसके आगे जीरो लगने के बाद, जीरो ओ उसके बाद में जो नंबर होंगे वो ऑक्टल इंटीजर होंगे। और हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल के लिए हम क्या करेंगे कि उसके आगे सबसे पहले जीरो लगेगा, जीरो के बाद में। देखिए न्यूमेरिक लिटरल्स के अंदर हम थ्री टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक इंटीजर, दूसरा फ्लोट, थर्ड है कॉम्प्लेक्स। इंटीजर हमें पता है साइंड इंटीजर होते हैं। इंटीजर के अंदर डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर लिटरल, हेक्साडेसिमल जो मैंने बता दिया। अब देखते हैं फ्लोट। फ्लोट के अंदर टू टाइप के जो रियल वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, एक तो होता है फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म हम जैसा जानते हैं 2.5, 17.5, 13.5 एटसेट्रा। बट एक्सपोनेंट फॉर्म को थोड़ा ध्यान देना है यहाँ। एक्सपोनेंट फॉर्म इन पाइथन यूजेज स्पेशल सिंटेक्स टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, अर्थात ए 1.7 ई प्लस 8 है, इसका मतलब हो गया 1.7000000। और यदि हमें ये माइनस में यदि लेना है, जैसे 25 ई का मतलब एक्सपोनेंट माइनस 4, इसका अर्थ है 25 से पहले 4 जीरो, देन 25 ई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जैसे सपोज यहाँ 3 + 5i, इसका अर्थ है 3 इज ए रियल नंबर एंड 5 इज ए इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है बूलियन लिटरल्स। नेक्स्ट है बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स बहुत ही आसान है पाइथन में। इट कैन कंटेंट आइदर ऑफ ओनली टू वैल्यूज, ये केवल दो ही वैल्यू रखता है, ट्रू और फॉल्स। अब इसमें भी ध्यान रखना है, ट्रू में टी हमेशा कैपिटल होगा और फॉल्स में है। ऑपरेटर, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ट्रिगर सम एक्शन व्हेन अप्लाइड टू आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेंड्स। हम ये जानते हैं कि ऑपरेटर एक सिंबल के रूप में होता है। ऑपरेटर को कोई ना कोई ऑपरेंड की जरूरत होती है, उन्हीं पर वो कैलकुलेशन करता है। सपोज सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ ए बी सी ऑपरेंड हो गए और इक्वल टू और प्लस एक ऑपरेटर हो गए।
therefore an operator require operands to compute upon example c equal to a plus b. Here a, b, c are operands and operator are equal and plus which are performing different. Punctuators. पंचुएटर का प्रयोग प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए एवं इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेटमेंट के मध्य कोरिलेशन के लिए किया जाता है, जैसे ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, पाउंड साइन जिसको हैश भी बोलते हैं, इक्वल साइन, इन सब का यूज़